कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। कोई भी युद्ध सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं जीता जाता है, युद्ध जीते जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्रप्रेम व कर्तव्य की भावना से, और भारत में ऐसे जज्बों से भरे युवाओं की कमी नहीं है। भारतीय सेना के कई विभिन्न अधिकारी व जवानों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उन्हीं में से कुछ भारत के वीर सपूतों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा, सेवा के वर्ष 1997 से 1999। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के लिए शेरशाह नाम से नवाजा गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक है जिन्होंने एक के बाद एक कई सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतह हासिल की थी। 17 जाट रेजिमेंट के कैप्टन अनुज नायर, सेवा के वर्ष 1997 से 1999। टाइगर हिल्स सेक्टर की एक महत्वपूर्ण चोटी वन पिंपल की लड़ाई में अपने 6 साथियों के शहीद होने के बाद भी मोर्चा संभाले रहे। घायल होने के बाद भी उन्होंने अकेले ही दुश्मनों से लोहा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना इस सामरिक चोटी पर भी वापस कब्जा करने में सफल रही। इस वीरता के लिए कैप्टन अनुज को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राजपूताना राइफल्स के मेजर पद्मपाणी आचार्य, सेवा के वर्ष 1994 से 1999। राजपूताना राइफल्स के मेजर पद्मपाणी आचार्य भी कारगिल में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके भाई भी द्रास सेक्टर में इस युद्ध में शामिल थे। उन्हें भी इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, बटालिक सेक्टर के जुबार टॉप पर लिखी है आज भी इस वीर की इबारत। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मनोज अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। भारतीय सेना की साथी को पीछे ना छोड़ने की परंपरा का मरते दम तक पालन करने वाले मनोज पांडे को उनके शौर्य व बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4 जाट के कैप्टन सौरभ कालिया, सेवा के वर्ष 1998 से 1999। सौरभ कालिया घुसपैठ की खबर मिलने पर अपने 5 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर निकले थे। उन्हें पता भी नहीं था कि वहां पाकिस्तानी सेना आ गई है। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल वॉर के पहले शहीद, पहले हीरो, जिनके बलिदान से कारगिल युद्ध की शुरुआती इबारत लिखी गई। महज 22 साल की उम्र में 22 दिनों तक दुश्मन उन्हें बेहिसाब दर्द देता रहा। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, सेवा के वर्ष 1985 से 1999। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा वीर चक्र से सम्मानित एक भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट थे और कश्मीर में 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। उनकी मृत्यु उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे अधिक नाराज सार्वजनिक टकराव का कारण थी। 15 अगस्त 1999 को भारत की स्वतंत्रता की 52वीं वर्षगांठ पर मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध की कुछ तस्वीरें। मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन। जय हिंद।